नमस्कार, आपण पाहत आहात 24/7 माझा महाराष्ट्र PBN। सेलू शहर के अंदर प्रभात 4 राजीव गांधी नगर में नगर सेवक अख्तरी बेगम मोहम्मद अयूब, आज हम इनके वार्ड का ग्राउंड जीरो से सर्वे किए। सर्वे के अंदर जो उनका काम है उस काम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ऐसा खुद पूरी रिपोर्ट में पूरे सर्वे में देखा गया है कि जो जो काम हुए हुए हैं वो बहुत ही खास काम किए हैं और मुबारकबाद के लायक काम है। हमारे साथ में अख्तरी बेगम के, हम उनसे खास बात करेंगे टॉप न्यूज़ के इस विशेष भाग में जो खास बात की मुलाकात है उसमें। अख्तर बेगम मोहम्मद अयूब 4 नंबर वार्ड से चुन के आए और हम जनता की सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे। डेवलपमेंट बोले तो पिछले 15 सालों में जो काम नहीं हुआ साहब, तो अभी अयूब अख्तर बेगम जो आए हैं समझे अपक्ष से चुनकर, उन्होंने बहुत सारा इधर डेवलपमेंट किए। नालियों की सुविधा बराबर नहीं थी, रोडों की सुविधा बराबर नहीं थी, पानी भी नहीं था, रोड ऐसे थे साहब कि हमको बारिश के अंदर वो तकलीफ और परेशानी होते थे। अभी जब से ये अपक्ष आए हैं अयूब भाई जो अख्तर बेगम इनके मस्तरा चुन के वार्ड से आए हैं, 15 सालों में जो काम नहीं हुआ हमारे काम एकदम बेहतरीन अंदाज से हो रहे साहब। रोड के हालात ऐसे थे पहले कि इसकी कोई हद नहीं, हमको साइकिल भी बराबर चलती नहीं थी उस पे से। अभी माशाल्लाह ये नगर सेवक नवे चुन के आए, इन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, रोड भी कुछ बन गए, हाँ सीमेंट रोड बन गए, बहुत सारे सीमेंट रोड बने, लाइटों की सुविधा हो गई हमको रमजान में, रमजान में तो नालियों का तो था ही था, मगर रमजानों में हमारे लिए लाइट की भी सुविधा इधर कुछ नहीं थी। खम्भों पे भी एक बार आते थे, 10-15 साल पहले ऐसे हालात थे कि एक बार आते थे तो बाद में वो लोग आते नहीं थे, मगर हमको नगर सेवक मिलने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत सारा इधर फायदा हुआ है और उन्होंने बहुत सारे कामों को अंजाम दिए है। पहले इधर PTR नहीं थे, इधर सोसाइटी के प्लॉट थे तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो अब ये नगर सेवक आ गए तो इन्होंने PTR का भी हमारे लिए सुविधा की है और हमारे नगर पालिका को हमारे प्लॉटों के नाम भी गए है और हमारे नामों पर हमारे जमीना भी जो हमारे प्लॉट थे भी हमारे नाम में हुए है और घरकुल भी मिले, घरकुल की भी बहुत सारी सुविधा हुई है इधर। पहले नगर सेवक आते थे घरकुल का सिर्फ कागज पत्र भरे भरे, बहुत सारे पैसे हमारे चले जाते थे नगर पालिका में, ये डॉक्यूमेंट्स को वो डॉक्यूमेंट्स को, मगर ये नगर सेवकों ने ऐसा किया भाई ये बारी से कि बिल्कुल हमारे घरकुलों का जो वादा किया था उसको पूरा कर दिया और घरकुल भी आ रहे हैं इधर, अभी कुछ बाकी इंशाल्लाह भी बहुत जल्दी काम हो जाएंगे। इस रोड का हम इस रोड पे खड़े हैं तो इस रोड का हाल बहुत ही बुरा था, हमको जो है तो घुटने बरोबर चिक्कड़ में से आना जाना पड़ता था, रोड की सुविधा नहीं थी कुछ नहीं। मोहम्मद अयूब भाई अख्तर बेगम इन्हों जो है तो प्रभाग क्रमांक 4 के नगर सेवक के इन्हों आने के बाद जो है तो हमें रोड की भी बहुत सारी सुविधा हुई, लाइट की सुविधा हुई और बाकी सब मछली भी समझो पानी की भी सुविधा हुई। नगर सेवक काम करते हम भी सेलू नगर परिषद में हम भी आते राजीव गांधी नगर, तो सेलू नगर परिषद में जो वार्ड नंबर 4 है राजीव गांधी नगर जो पटरी के इस पार आता है, आप यहाँ पिछले 35 सालों से 35 सालों में और 2016 से आज 2019 तक क्या फ़र्क देखते हैं आप? बहुत फर्क दिख रहा है, ज़मीन आसमान का फर्क बोले तो चलिए जी। हाँ बहुत पहले क्या मसाइल थे, कोई आता नहीं था, एक बार जो चुन के आ गए तो कोई आता नहीं जी, कोई आके डुक के देखता नहीं था। नाले जो अख्तरी बेगम है मोहम्मद अयूब साहब के मिसेस, तो उनका जो काम है रोड के ताल्लुक से, पानी के ताल्लुक से, लाइट के ताल्लुक से, तो कैसा है? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप खुश हैं? बहुत खुश है सर। पानी के लिए बहुत मेहनत की है हमने, पानी के वास्ते बहुत तकलीफ थी एरिया में। ही बातमी आपणास आवडली असेल तर आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, शेअर करा, कमेंट करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद। अच्छा, इसकी क्या खास बात है एरिया के अच्छे बनने की? इसकी जो पहले काउंसलर थे तो वो लोग इधर देखते ही नहीं थे ये एरिया को, लेकिन आज के जो काउंसलर है वो बराबर अपने पूरी मेहनत लगाते हैं इधर के एरिया को, हर चीज रोड नाल पानी लाइट अगर नहीं रहा तो बराबर आकर वो पानी लाइट नाल हर चीज देते हैं इधर के एरिया को। जब से रहते राजीव गांधी नगर बसा तब से आप यहीं पर? यहाँ पे थे पहला स्टार्ट घर हमारा था, पहला एक घर जो था यहाँ, पहला घर आपका ही था, बच्चे दो लेके मैं पटरी के किनारे को ली थी तुम्हारा घर था। अब तुम नाम बताइए। मेरा नाम है शेख रहीम शेख मंजूर। इस वार्ड में कितने सालों से रहते हैं? इस वार्ड में मैं रहता 25 साल से। 25 सालों में
25 साल में जो विकास नहीं हुआ था अभी हो रहा। कौन है नगर सेवक? नगर सेवक हमारे आयुब भाई है, अख्तरी बेगम। हाँ, अख्तरी बेगम आयुब भाई घर वाले है जी। उन्होंने बहुत तरक्की करी। मैंने हमने जो यहाँ पे अभी तक जो हमारी मालूम है, इस वार्ड में एक कहावत थी कि वैतागवाड़ी के नाम से ये वार्ड मशहूर था। हाँ, वैतागवाड़ी के नाम। ये क्यों वैतागवाड़ी नाम? ये वैतागवाड़ी इसलिए गिरा था, कोई इसको देखता नहीं, इसको कोई देखता नहीं था, और कोई इधर रिक्शे वाले आते नहीं थे, इसलिए रास्ते नहीं थे, ये नहीं था बराबर, इसलिए 2016-17 अच्छा हो गया रोड। भाई मुझे पानी आया, सबको घर को ला गए, रास्ता चांगला है, सगळं चांगला आहे। कसे काम चालू आहे तुमच्या वाड्यामध्ये? अख्तरी बेगम तुमचे आयुबाईची पत्नी आहे। माझं नाव बबीता मनोहर पवार, मी एक पारधी समाजामधून आहे, आणि मी इथं म्हणजे माझा हे वाड आहे राजीव गांधी नगर, माझे नगरसेवक आहे आयुब अख्तर बेगम आयुबाई, आणि त्याची पत्नी आहे ती। पण माझ्या वार्डमध्ये खूप चांगली सगळी हे व्यवस्था झालेली 2017 पासून। इतकं स्वच्छ, म्हणजे पहिले इतकी घाण होती की इकडे यायला सुद्धा लोक म्हणत होते वैतागवाडी नावासाठी होऊन दिलं होतं आमच्या नगरला। तर आता जेव्हापासून आयु भाई आणि अख्तर बेगम आल्या तेव्हापासून आमच्या नगरला राजीव गांधी नगर म्हणतात, आणि आमचं नगर इतकं गाजलंय, सगळ्यामधून एक नंबरच आहे। आम्हाला अवॉर्ड पण भेटलेला आहे की स्वच्छता इतकं सगळं व्यवस्थित आहे। पाणी 25 वर्ष झाले आमच्या नगरला पाणी नव्हतं, आज 25 वर्ष झाले त्या वस्तीला, आणि तेव्हापासून पाणी नव्हतं, पण आता जेव्हापासून नगरसेविक आले, नगरसेवक आले निवडून अख्तर बेगम, तेव्हापासून आम्हाला खूप पाण्याची व्यवस्था आहे। इतकं म्हणजे कुठं पण सगळ्या जिल्ह्यांना ह्या ना पाणी पुरवठा कमी आहे, पण आमच्या इकडं त्यांनी इतकी चांगली व्यवस्था केली, कारण की जेव्हा हे नगरसेवक नव्हते त्याच्या पूर्वी घरोघर बाया सायकलवर पाणी आणत होत्या, 5-5 किलोमीटर जाऊन, 10-10 किलोमीटर। तर ते आल्यापासून त्यांना आम्हाला कुठं असं बाहेर जाऊ दिलं नाही पाण्याला, त्यांना स्वतः सगळं व्यवस्थित करून घेतलेलं आहे। पाण्याची व्यवस्था आहे स्वच्छ, नाल्या स्वच्छ, आणि फवारणी चालू आहे, सिमेंट रस्ते पण चालू केले, लाईटची व्यवस्था केली, स्वतः येऊन फिरतात ते, स्वतः बघतात येऊन, आणि स्वतःच काम करत असं त्याला अभिमान नाही काही नाही। नगरसेवक आहेत पण ते आमच्या घरच्या कुटुंबावानी आम्हाला वागवतात। तर इतकं माझं म्हणणं आहे की आमचं हे शेलू मध्ये राजीव गांधी नगर आमचं एक नंबर लागलेलं आहे, आणि आम्हाला अवॉर्ड पण भेटलेला स्वच्छता अभियानचा, तर आमची नगरसेवक खूप चांगली आहे। आमचे नगरसेवक हे चालू रनिंग नगरसेवक चांगलं काम करतात, पाण्याची याची सगळी भरपूर सुविधा, हे काय आता बी पाणी सुटलेलं आहे, भरपूर पाणी मिळतंय, रोड नाल्या सगळं स्वच्छ आहे एकदम, दररोज चक्कर असते त्यांची की काय हाल अहवाल बघायला रोज येतात सकाळ संध्याकाळ। बाकी काय नाही, पहिला हे का बेसिमेंट झालेलं आहे, पहिला हप्ता मिळाला, आता दुसऱ्याची तयारी आहे, बाकी काय नाही, बस सगळं चांगलं आहे, पुढे आम्ही यायलाच निवडून देऊ, असेच नगरसेवक आम्हाला लाभाव हेच आहे, बाकी काय नाही। ठीक, मी राजीव गांधी नगरचा रहिवासी, आमच्या वार्डामध्ये नवीन हे भाग आहे, ह्या भागामध्ये सध्या रोड काम चालू आहे, पुन्हा घरकुलाची योजना त्यांनी राबवलेली आहे, घरकुल असं व्यवस्थितरित्या सध्या चालू आहे, भरपूर आमच्या वार्डात घरकुल आलेले आहेत 200 जवळपास, अजून काही लोकांचे हेच राहिलेले आहेत, बऱ्याच लोकांचं काम आता भरपूर प्रगतीला आहे, हे सिमेंट वगैरे सगळ्याचे झालेले आहेत, दुसऱ्या किस्ती हे पुढच्या कार्याला चालू आहे, काम एकदम प्रगतीपथावर। नगरसेवकाविषयी काय? त्याच्याबद्दल सांगा, नगरसेवक आमच्या इकडं नेहमी प्रयत्नशील राहतात, आमच्या कोणत्याही कार्याला पुढाकार घेतात, तुमच्या आता नवीन योजना जे बी आलेल्या आहेत ते आमच्या पूर्ण वार्डात राबवतात, आम्हाला येऊन सांगतात व आम्ही तुमच्या जे बी काही कार्य करायचं आहे त्याला आम्ही समर्थन राहू, तुमसोबत राहू, नाल्या पाणी सगळ्या गोष्टी लाईट त्यांच्याकडे सगळ्याचं त्यांचं लक्ष असतं आमच्याकडे। नगरसेवक आता रोज असे येते जाते आमच्याकडे, हे नगरसेवक आम्हाला हे आता देव आहेत आमच्याकडे। आता काय काय काम केले यांनी? यांना रोड केले, सगळं केलं। मला पहिले नगरसेवक होते ते आमच्याकडे येत बी नव्हते, नेमकं आम्हाला घरकुल दिले, भरपूर घरकुल दिले सगळ्याला, असं
रोड आता ते दोन रोड केले, आता हे दोन रोड करायले. अभियान जो है तो मैं 1985 से रहता, मुझे 35 साल हो रहे के. तो आज तक जितने भी नगर सेवक आए और उनके 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 पास पर्सनल तारुफ. आप मस्जिद के कौन से मस्जिद के सदर? मक्का मस्जिद, मक्का मस्जिद के सदर है शेख जब्बार शेख नबी. आपका पूरा नाम? हाँ, शेख नबी. तो इसलिए हमें यहाँ 35 साल से रहता और 35 साल से रहता तो बहुत नगर सेवक आए. हर साल हम जो भी जरूरत गिरते हमको इधर नाली का मसला, पानी का मसला, जैसा कि अब उसके बाद हमारा कोई मसला हल नहीं होगा. जब ये आयुब भाई, ये अख्तर बेगम जब चुन के आ गए इधर से 2016-17 में, तो इधर सब के मसाइल हल हो रहे और काम होते जा रहे. क्योंकि इधर नाली का भी मसला होगा, ये पानी का भी मसला होगा. पानी पुरता नहीं था, इन्होंने पूरी पाइपलाइन डाली. अभी और एक दो तीन गल्ले या चार गल्ले और पाइपलाइन डाल रहे. तो ये थे प्रभाग 4 राजीव गांधी नगर के नगर सेवक अख्तरी बेगम, उनके शोहर मोहम्मद अयूब साहब. यहाँ सेलू शहर के अंदर तारीफ के काबिल ऐसा काम वार्ड नंबर 4 में हुआ है. और ये सब होने के पीछे कहीं ना कहीं नगर अध्यक्ष विनोद बोराड़े, जो विकास पुरुष और कार्य सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है. ये खुद उनके पति और नगर सेवक अख्तरी बेगम, इन्होंने भी कहा है काम अगर करने की अगर चाह अगर दिल में है तो ही बात में आप आवड़ी असेल तर आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, शेअर करा, कमेंट करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.